वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, इस वीडियो में बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के कुछ अहम पॉइंट पे बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि आपकी सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले करता हूँ छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके तो बेल आइकन को भी क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि मैं टाटा मोटर्स के चार्ट पे हूँ। और फ्रेंड्स, जो बहुत मैंने पिछले वीडियो बनाया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे, उसका क्या कैलकुलेशन होता है, किस तरीका से उसका रेशियो आता है, तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपकी ज्यादा ज्यादा समझ में आ सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का जो कौन कौन से रेशियो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला है और उसको कैसे यूज में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला मैं आपको बता दिया कि आपको सबसे पहला उस वीडियो में देखे होंगे, तो फ्रेंड्स आप यहां से देखे होंगे कि इसको ड्रॉ कैसे करना, अगर नीचे से ऊपर की ओर ड्रॉ करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी है कि जो आपको यहाँ से जो आपको डाउन ट्रेंड जो आपको चल रहा था, यहाँ से जो ये डाउन ट्रेंड चला है, तो ये कहीं ना कहीं इधर का जो स्विंग हाई है, हो सकता है इसके पीछे इससे ज्यादा हाई होगा, मगर यहाँ से स्विंग हाई हुआ है और स्विंग लो ये है, तो स्विंग लो और स्विंग हाई को यहाँ पे आपको मार्क करना है। सबसे पहला आपको ये होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या होना चाहिए कि अब आपको यहां से आए, नीचे यहां से आए, और उसके बाद आपको क्या करनी है, थोड़ा सा ये ध्यान में लाइएगा। तो यहां से आने के बाद अब आपको देखनी है कि ये मार्केट अब ऊपर जाएगा, तो पहला जो लेवल होगा यहाँ पे आएगा 38 पॉइंट, जो यहाँ पे हम लोग सुने देखे थे ना 38.2 वाला, तो यहाँ पे लेवल आया जो दिख रहा है यहां तक आएगा, और उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया, तो एक लेवल आपको दिखेगा, ये जो है देखिएगा यहाँ पे गोल्डन रेसिव वाला, ठीक है, एक गोल्डन रेसिव वाला, गोल्डन रेसिव का जो था वहां पे देखिए मार्केट यहाँ पे किया, फिर सीधा सीधा नीचे आया, एक लेवल पे आया 32 पे, फिर टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो जब फ्रेंड्स आप देखने वाली बात यह है कि इसको अब देखना आपको रहेगा कि जो भी, तो आप देखेंगे तो जब एक बार 61.8 के लेवल को ब्रेक करने गया था, तो उस समय आपका एक हाई यहाँ पे बनाया था फ्रेंड्स, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, सॉरी फ्रेंड्स मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ये यहाँ पे बनाया था, ठीक है। अब जस्ट इसके ऊपर फ्रेंड्स आपको एक लेवल दिख रहा है, तो आप अगर देखेंगे तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 86-87 रुपया का ये है, और इसके हाई के ऊपर एक लेवल है, तो आप यहाँ पे तो बाई नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर ही जस्ट एक आपको जो है फ्रेंड्स एक लेवल दिख रहा है, तो उस लेवल पे जाके ब्रेक करने के इंतजार करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड जब तक कि मैं बताता हूँ कि RSI का यूज कैसे करना है, तो अगर आप यहाँ पे RSI इंडिकेटर भी लगाएंगे तो आपको यहाँ पे जो है बाय सिग्नल नहीं देगा, यहाँ पे बाय सिग्नल आपको नहीं देगा। आप देखें तो क्यों नहीं देगा, मैं बताया ना कि क्यों नहीं देगा, अब उसका एक रीजन है, क्योंकि आप अगर यहां से देखेंगे तो इस लेवल से इस लेवल में डाइवर्जेंस है, जब ए यहाँ पे ब्रेक किया है, देखिए 61 लेवल किसने ब्रेक किया है, अच्छा खासा वॉल्यूम भी था, 37 था, बट यहाँ पे डाइवर्जेंस था, तो हम लोग यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि डाइवर्जेंस में है बहुत अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स तो ए अच्छा वॉल्यूम भी था, यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आया था, बट ऐसे में हम लोग यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, वेट करेंगे ताकि इसको डाइवर्जेंस को ब्रेक हो, और जब ब्रेक होगा, डाइवर्जेंस ब्रेक होगा फ्रेंड्स, तो उस समय RSI इसके ऊपर जाना चाहिए। तो जब ये RSI इसके ऊपर गया होगा तो कहीं इधर आपका बाइंग बना है, और उसके बाद पहला टारगेट ये था, दूसरा टारगेट आपको उधर नहीं गया, ठीक है फ्रेंड्स, वहां से मार्केट फिर धीरे धीरे नीचे आ गया। तो इस तरीका से आपको फ्रेंड्स इसको करना है। फ्रेंड्स मैं कुछ एग्जाम्पल और दिखाता हूँ, और मैं इसको अभी और बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, ये दूसरा वीडियो फिबोनाची पे अभी बहुत से वीडियो आएंगे जिसपे आपको सारी के सारे डाउट आपको क्लियर होगा, तो पूरा का पूरा जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिए कीजिए, ताकि आपको क्लियर हो सके। और फ्रेंड्स जो भी आप हैप्पी जो आप शिवरात्रि ऑफर जो मैंने लाया हूँ उसमें भी आप जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और यहाँ भी बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिल रहा है फ्रेंड्स, ये ऐसा ऑफर भी कभी नहीं मिलने वाला है, तो इसको भी जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, कि यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम 5500 रुपया में आपको मिल रहा है। और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पे सीट भी लिमिट है और टाइम भी लिमिट है, तो फ्रेंड्स ये मौका हाथ से चला ना जाए, तो इसलिए इसको देखिएगा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसको आप जरूर ऑफर का लाभ उठाएं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं फिर से वीडियो पे आता हूँ और बात करता हूँ फिर आगे।
फ्रेंड मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ये हटा देता हूँ। अब थोड़ा सा फ्रेंड्स आगे बढ़िए, मैं यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करके रखा हूँ। अब फ्रेंड्स ये जो फिबोनाची मैंने ड्रॉ करके रखा हूँ, अब बात इस पे आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो मैं फिबोनाची जो यहाँ पे ड्रॉ करके रखा, आप फ्रेंड्स ध्यान से देखिए कि ए हाई था ए लो था। अब देखने वाली बात यह है कि जब इसने लो को ब्रेक किया तो जो 23 पॉइंट का जो रेशियो है उसको ब्रेक करने के बाद सीधा सीधा स्टॉक गया तो 38 पे गया। ठीक है, अब 38 को ब्रेक करेगा तो 50 के लेवल पे जाकर रुकेगा, 50 के लेवल को जाएगा तो 61 के लेवल पर रुकेगा। अब जब 61 के लेवल जब सही सही से ब्रेक करेगा, सही सही के उसे ब्रेक करने का मतलब समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सही सही से ब्रेक करने का मतलब है फ्रेंड्स कि कोई भी डाइवर्जेंस नहीं रहना चाहिए। और फ्रेंड्स मैं यही सारी चीजें पे डिटेल में बात करता हूँ अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि इसको कैसे जानेंगे, कैसे प्रेडिक्शन करेंगे कि ए आपको बाइंग किस लेवल पे बन सकता है। आपको पहले से पता है कि इस स्टॉक में बाई करनी है या नहीं, इस स्टॉक में सेल करनी है या नहीं, आपको पहले से पता है। पहले से पता होता है कि अगर नीचे जाएगा तो कहां तक जाएगा, क्या इसमें लोग सेल कर सकते हैं या नहीं, पहले से पता है। तो इतना बारीकियां पे मैं अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में बात करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, दोनों का नंबर अलग अलग है। और फ्रेंड ध्यान से देखिए क्या चला कि यहां से जब ये चला तो अपना ये जो रेशियो है उसको तो ये वेटेज देते देते देखिए तो एक लेवल पे ही गया सर। आप देखिए एक लेवल पे ही गया है, वहां से सीधा सीधा मार्केट फिर जब नीचे भी आने लगा तो देखिए इसने यहाँ पे रोकने की कोशिश किया, फिर इस लेवल पर रुकने की कोशिश किया होगा, देखिए इस लेवल पर रुकने की कोशिश किया, फिर ऊपर गया, बाउंस किया, एक लेवल पे ही गया, फिर नीचे आएगा तो इस लेवल पे आएगा, फिर इस लेवल पे आएगा, फिर इस लेवल पे आएगा, फिर इस लेवल पे आएगा। बस समझ पा रहे हैं? तो इस तरीका से फ्रेंड मार्केट चलता है। देखिए आप यहाँ पे आया तो इस यहाँ पे आपको कहीं देने का कोशिश किया है, तो आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ से अलग अलग स्विंग हाई स्विंग लो बन रहे हैं। तो आपको ये किस तरीका से इसको यूज करते हैं, किस तरीका से इसको परफेक्ट वे में यूज करते हैं फ्रेंड्स, अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस पे बात करते हैं। और ये मौका है फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए। अब जो लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं, जो लोग इस पे रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और जो भी अकाउंट ओपनिंग करा लिए हैं वो हमें यूजर आईडी जो आता है वो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि मैं आपको आगे प्रोसेस कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स ये आपको इस तरीका से चीज़ों को करनी है और आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस तरीका से देखिए, यहाँ से आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। इसी तरीका से मैं आपको बेसिक से बेसिक चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बात है फ्रेंड्स कि जो ब्रेकआउट होता है कोई लेवल का, तो सिर्फ ब्रेकआउट पे नहीं करना है, आपको एक चीज और देखना पड़ेगा कि कहीं वो डाइवर्जेंस में तो ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो इस चीज को जानकारी रखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ताकि अगर इसमें जानकारी नहीं रखेंगे तो आपको क्या होगा कि आप वहां पे ट्रेड लेंगे और थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट सीधा सीधा नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर डाइवर्जेंस में कहीं फंस गए तो ज्यादा चांसेस आपको लॉस हो जाएगा, आपका एसएल हिट कर देगा। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीका से फ्रेंड्स आप कीजिए। और देखिए तो अब अभी फिलहाल का देखिए तो टाटा मोटर का गजब का रन चला, गजब का। हालांकि अब थोड़ा सा लगता है हमें कि इसमें थोड़ा सा अब ये देखने को मिलेगा, तो बहुत अच्छा रन दिया है। आप यहाँ पे देखें तो बहुत कम दिन में 50 रुपये का मूव दे दिया, ऑलमोस्ट 50 रुपये का लमसम का ये मूव दिया है। तो फ्रेंड्स इस तरीका से इसी पे आपको बात करनी, इसी सारी चीजें पे मैं बात करता हूँ कि किस स्टॉक में कहाँ पे बाइंग बन सकती है, किस स्टॉक में कहाँ पे क्या कर सकते हैं, किस तरीका से आपको सारी की सारी जानकारी आपको वहां पे मिल जाती है। आप एज अ ट्रेडर बनने के लिए आपको जितना नॉलेज चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर हमारा फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए हैं या हमारे ट्विटर पे फॉलो नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि जाके हमारे फेसबुक पेज पे भी लाइक कर दिया कीजिए, ताकि आप मैं जो भी फेसबुक पेज पे जो अपडेट करूं वो आप लोगों को मिलता रहे और स्टॉक मार्केट का अवेयरनेस से आपको सारी चीजें आपको ये होता रहे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।